हेलो बच्चों, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड। हाउ आर यू ऑल? सो गाइस, मैं इंद्रजीत सिंह आपका अनअकैडमी नीट लाइव डेली पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चा जी, अनअकैडमी ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। यू नो द एंटायर कंट्री इज अंडर द लॉकडाउन सिचुएशन और आप समझ सकते हो किस तरीके से हम आपके साथ जुड़े हुए राइट बच्चा जी। सो गाइस, सिंपल सी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, राइट आज का जो ट्रेडिशन है हम आगे चलाते हैं। 45 डेज क्रैश कोर्स ऑन कैपेसिटर्स, राइट, क्रैश कोर्स ऑन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एंड तक बने रहिएगा गाइस, यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। चलिए तो गाइस, जिन लोगों के लिए नया हूं मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माई सेल्फ इंद्रजीत सिंह, आप मुझे बुला सकते हो आईएएस भैया, हैविंग 5+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। हर बार मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिक्स इनटू द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। आज जब हम कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाने वाली है। आज अगर हम कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाने वाली है, राइट बच्चा जी। हाँ ना, ओके, तो बने रहिएगा एंड तक, यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। चलिए, सी गाइस, टेलीग्राम ऐप है, कुछ इस तरीके से दिखती है, राइट। अब अगर आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते तो आपके साथ दो ही मात्र जरिए हैं। एक आप टेलीग्राम है ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, ब्राउजर में जाइए और इस लिंक को एंटर कर दीजिए, tinyurl.com/unacademychat, राइट बच्चा जी, है ना। इससे आप हमसे कर सकते हैं सीधी बात। और सेकेंडरी थिंग ये है बच्चा जी, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं बच्चा जी, है ना, तो वहां पे भी आप हमसे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए गाइस, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको बायोलॉजी के वीडियोस, फिजिक्स के वीडियोस, केमिस्ट्री के वीडियोस, पूरा अनअकैडमी का खजाना चाहिए तो बस ये लिंक को एंटर कर देना, राइट, ब्राउजर में, राइट, सारी चीजें, पूरा अनअकैडमी के सारे वीडियोस एट द सिंगल क्लिक मिल जाएंगी नोट्स के साथ। नोट्स भी पीडीएफ पे स्पेसिफिक अवेलेबल है, राइट बच्चा जी। हाँ है ना, नोट्स भी पीडीएफ में अवेलेबल है, क्लियर है, तो जरूर इस चीज का फायदा उठाइएगा। चलिए अब देखिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बता देता हूं। कंट्री के टॉप एजुकेटर्स यहां ले रहे हैं लाइव क्लासेस, आप उनके साथ सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड है बच्चा जी, हाँ है ना, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस है और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ठीक है बच्चा जी। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, सी लॉट्स ऑफ कोर्सेज आर गोइंग ऑन इन अनअकैडमी। कुछ स्ट्रेटेजी कोर्सेज चल रहे हैं, कुछ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, राइट, कुछ डिटेल कोर्सेज चल रहे हैं, राइट बच्चा जी, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन अनअकैडमी पार्ट, ओके। बस आपको जुड़ना है, जुड़ना कैसे है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, राइट बच्चा जी, हाँ है ना, फिर उसको इंस्टॉल कर दे, राइट, इंस्टॉल करने के बाद सिलेक्ट करें प्लस, सिलेक्ट करें नीट और कर दें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते वक्त, राइट, आपको एक कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट, 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन करा लीजिएगा, ओके, यूजिंग दिस कोड इज लाइव, इज लाइव, इंद्रजीत सर इज लाइव, यू ऑल आर लाइव, फिजिक्स इज लाइव, राइट, इमीडिएटली यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एन अनअकैडमी पार्ट, राइट बच्चा जी, हाँ ना। चलिए गाइस, ध्यान से चलते हैं आगे की सेशन की तरफ, राइट, हाँ ना, बहुत सिंपल सी चीज है, 1 ईयर पे प्राइस ड्रॉप भी है और कुछ 0 का CMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, एंड दिस इज माई कोड इज लाइव, यूज दिस कोड टू गेट 10% ऑफ ऑफ। चलिए तो गाइज, एज यूजल आज की जो हमारी ट्रेडिशन है, दैट इज क्रैश कोर्स इन द कैपेसिटर, राइट, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं गाइस, देखिए कैपेसिटर, हम कैपेसिटर से घिरे हुए हैं, राइट बच्चा जी, डे टू डे लाइफ में भी कैपेसिटर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, कभी कभी हमारे घर में क्या होता है, एक पंखा जो है ना वो खराब हो जाता है, तो हम किसी भी टेक्नीशियन को बुलाते, वो तो क्या बोलता है, भाई कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है कैपेसिटर, समझ में आ रहा है? अगर आपने किसी ने कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा होगा तो इतने छोटे 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 हिस्से रहते हैं, जो आपको देखिए इस तरीके से यहां दिख रहे हैं ना, दिस पार्ट, दिस वन, राइट, इतने छोटे 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 हिस्से रहते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको, छोटे छोटे ऐसे बोर्ड रहता है ना, उनके दो लेग्स उस पे पिन रहते हैं, शोल्डर किए रहते हैं, समझ में आ रहा है ना, हाँ ना, वो कैपेसिटर्स होते हैं। तो इन अनदर सेंस कैपेसिटर्स को हम कह सकते हैं दे आर द डिवाइस, राइट, दे आर द डिवाइस, राइट बच्चा जी। वन शॉट एक्सप्लेनेशन होगा, ना इधर ना उधर, सारी वन शॉट एक्सप्लेनेशन होगी, कुछ भी नहीं होगा, राइट बच्चा जी, सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर करके कैपेसिटर्स के बाहर निकलेंगे, राइट। तो आपके सामने जो विजुअल दिख रहा है कैपेसिटर्स के रिलेटेड, ये आपकी डे टू डे एक्टिविटी का एक हिस्सा है, राइट, हाँ ना।
मे बी मैं ये नहीं कह सकता कि आपने कंप्यूटर ओपन करके कभी कैपेसिटेंस को देखा है कि नहीं नहीं, लेकिन कभी भी आपने मदरबोर्ड या पुराने जमाने में डीवीडी प्लेयर, खैर पुराना इतना भी नहीं, हमारे टाइम पे डीवीडी प्लेयर्स आया करते थे ना, उसमें भी बोर्ड्स में छोटे छोटे कैपेसिटर्स रहते थे। तो एक्चुअल कैपेसिटर ये डिवाइस है क्या, इसका काम क्या है, राइट? हमें ये तो पता चल गया डे टू डे लाइफ में ये कहाँ है कैपेसिटर्स। चलिए आइए आगे देखते हैं बच्चा जी। देखिए इसी तरीके से डे टू डे लाइफ में भी एक विजुअलाइजेशन है, राइट? हाँ ना, ये रियलिटी है कैपेसिटर्स की। देखिए साइड में लिखा है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 10 माइक्रोफेराड, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 10 माइक्रोफेराड, दिख रहा है ना बच्चा जी, क्लियर है? हाँ ना, तो इस तरीके के कैपेसिटर्स, दिस इज अ ब्रेडबोर्ड, हाँ ना, एक्चुअली एक तरीके का प्रैक्टिकल ही है कैपेसिटर्स के रिलेटेड, हाँ ना। यहाँ पे भी देखो आपको एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। चलिए डे टू डे लाइफ में तो आपको बता दिया, अब मैं तुम लोगों को सिंबॉलिक नोटेशंस बता रहा हूं कैपेसिटर होता क्या है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो कैपेसिटर इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर एकमात्र ऐसा डिवाइस है, राइट बच्चा जी, जो स्टोर करेगा चार्ज, राइट? अब देखो एनर्जी हर जगह आती है, कहीं भी कोई भी कुछ स्टोरेज होता है या कहीं भी कुछ कंजप्शन होता है, तो इट इज ऑलवेज डन इन टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेट अस डे टू डे लाइफ सिंपल एग्जाम्पल, हम कुछ खाते हैं, राइट? तो इट इज कन्वर्टेड इन टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं, राइट? तो वी लॉस समथिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो विदाउट एनर्जी देर इज नथिंग, एनर्जी तो होती ही है हर जगह पे, राइट? पर कैपेसिटर को अगर हमें डिफाइन करना है, समझ में आ रहा है? टेक्निकली हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम सिंपल सा टेक्नोलॉजिकल टर्म देख लेते हैं। कैपेसिटर अ डिवाइस that stores the charge, the device that stores the charge, right बच्चा जी? हाँ ना। चलिए गाइस लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, कोई कंजूसी नहीं लाइक्स को प्रेस करने में, राइट? जो स्टूडेंट प्रेजेंट है सब लाइक्स को प्रेस करेंगे, सही कह रहा हूं मैं, एकदम परफेक्ट कह रहा हूं गाइस। चलिए इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता देता हूं, राइट? जो प्रेजेंट है तुरंत आंसर करेंगे कॉमेंट बॉक्स में, जल्दी, जो प्रेजेंट है तुरंत आंसर करेंगे कॉमेंट बॉक्स में, ओके गाइस? चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, राइट बच्चा जी, करते रहिएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट? और लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा। चलिए कैपेसिटर्स, अब देखिए सिंपल, अब थोड़ा टेक्निकल आता है। दो कंडक्टर्स है, दो कंडक्टर है, एक के पास है पॉजिटिव चार्ज, एक के पास है नेगेटिव चार्ज। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, राइट? दे आर इंसुलेटेड, और इन बिटवीन देम देयर इज अ इंसुलेटिंग मीडियम, और यू कैन से देर इज अ वैक्यूम, राइट? हाँ ना, दो कंडक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम है, या फिर हम कह सकते हैं वैक्यूम, समझ में आ रहा है बच्चा जी? हाँ ना, ओके, वैक्यूम, राइट? तो दे बोथ कंबाइंडली फॉर्म वन सिस्टम दैट इज नोन एज कैपेसिटर। दे बोथ कंबाइंडली फॉर्म वन सिस्टम दैट इज नोन एज कैपेसिटर। The combination of the two conductors placed close to each other, separated by an insulator used for storing the electric charge and electric energy. देखो जो charge भी store हो रहा है, it is stored into the form of energy. उसके related technological discussion हम आगे करने वाले हैं, लेकिन अभी हम इतना देख लेते हैं। Capacitor का जो मतलब था वो क्या था? Device that stores the charge. और यहां पे कैपेसिटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा जी? सिंपल सी चीज है, राइट? सिंपल सी चीज है ना, क्या? दो कंडक्टर्स हैं, राइट? सेपरेटेड बाय द इंसुलेटिंग मीडियम, वन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है कैपेसिटर। इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है बच्चा जी? कैपेसिटर। चलिए गाइस आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, राइट? सो इट इज शोन दिस आर द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, राइट? कंडक्टर। चलिए देखो कैपेसिटर भी अलग 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 टाइप के आते हैं, लेकिन हम देखेंगे थोड़ा, राइट? आया ना, देखो कैपेसिटेंस की अगर हम बात करते हैं, राइट? ओके, द अमाउंट कैपेसिटेंस, देखिए रेजिस्टेंस का आता है रेजिस्टर का आता है रेजिस्टेंस, इंडक्टर का आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये सारी एक तरीके की क्या है? रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज है। कैपेसिटेंस एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी नहीं है, समझ में आ रहा है ना? कैपेसिटेंस एक्चुअली एक तरीके की मेजरमेंट है, समझ में आ रहा है? कैपेसिटेंस एक्चुअली एक तरीके की मेजरमेंट है कि कितना चार्ज अंदर स्टोर होगा। कैपेसिटर एक्चुअली एक तरीके की क्या है? मेजरमेंट है कि कितना चार्ज डिवाइस के अंदर, कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा।
बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, राइट? सो द अमाउंट ऑफ द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर पर यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द कैपेसिटर. सी सी द क्यू बाई वी, द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज. तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि सर कैपेसिटर जो है, समझ में आ रहा है, राइट? मैक्सिमम आज तक जो कैपेसिटर बड़े से बड़ा बना है वो 1 फेराड का. 1 फेराड का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो भी कैपेसिटर बैंक्स में होता है. बैंक मतलब मैं रिजर्व बैंक ऐसी कोई बैंक की बात नहीं हूँ, कैपेसिटर की भी एक बैंक आती है, रजिस्टर्स की भी एक बैंक आती है, समझ में आ रहा है ना, जिसमें एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड रिस्पेक्टिवली. समझ में आ रहा है? तो यहां पे कैपेसिटेंस बस सिंपल सी चीज है, मेजरमेंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, या फिर कितना चार्ज स्टोर होगा डिवाइस के अंदर, इतना ही स्पेसिफिक और बहुत ही शॉर्ट में हम इसको पकड़ लें, राइट? तो पहले मैंने तुम लोगों को बताया व्हाट इज ए कैपेसिटर, इट इज अ डिवाइस, और उस डिवाइस का आता है कैपेसिटेंस, और उस डिवाइस का बच्चा जी आता है कैपेसिटेंस. देखिए विजुअलाइजेशन में ध्यान से देखिए, राइट? हाँ, है ना, देखिए ये आपको ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, देखो ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आया, राइट राइट. हाँ, अब देखो की क्लोज हुई, अब ग्रीन धीरे धीरे चार्ज स्टोर होना स्टार्ट आ रहे हो. नीचे वाली प्लेट के बीच में जो आ रही है बच्चा जी, राइट, प्लेट में जो दिखा रहा है वो एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, समझ में आ रहा है ना, लेकिन कैपेसिटेंस को समझने के लिए बेस्ट चीज. चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, राइट? कैपेसिटेंस बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बता दिया अमाउंट ऑफ द चार्ज स्टोर्ड, राइट? Q is equal to CV और C is equal to Q by V, right? This is the capacitance. अब basic जानने के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं. How to determine the capacitance? देखो multiple type के capacitors होते हैं. समझ में आ रहा है बच्चा जी? Multiple types के capacitors होते हैं. उनमें सब में capacitance की value किस तरीके से define होती है? कैपेसिटेंस की वैल्यू किस तरीके से डिफाइन होती है, उनके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हमने पकड़ लिया, हर एक तरीके के कैपेसिटर्स के लिए वो वैलिड है. हाँ, है ना, हर एक तरीके के कैपेसिटर्स के लिए वो वैलिड है. चलिए सबसे पहला स्टेप क्या है, समझ में आ रहा है ना? ऑलवेज डिफाइन और ऑलवेज गिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, और आप कह सकते हो Always give positive and negative charge to plates or conductors present. दो conductors present रहते, एक को positive दे दो, एक को negative दे दो. Find electric field between them. उन दो conductors के बीच में electric field के calculations क्या आएंगे, right? उन दो conductors के बीच में electric field के calculations क्या आएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशंस के बाद, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, दैट इज नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम आर वन टू आर टू. और एक बार आपको पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई तो सी क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी, आपको उस सिस्टम का कैपेसिटेंस मिल जाएगा. सिस्टम का क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा. सिंपल से चार स्टेप है बच्चा जी, और कुछ भी नहीं है, राइट? समझ में आ रहा है ना? Can I have the answers into the comment box? एकदम क्लियर है, ओके? लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा बच्चा जी, लाइक्स को प्रेस करने में कोई कंजूसी नहीं, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, उसको प्रेस करने में कोई कंजूसी नहीं. चार स्टेप सिंपल. पहला, दो कंडक्टर को, एक को पॉजिटिव दो, एक को नेगेटिव दो, उन दोनों के बीच में जहां पूरा इंसुलेटिंग मीडियम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड से कूदो पोटेंशियल पे, पोटेंशियल से कूदो कैपेसिटेंस पे. सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है इसमें, इतने स्टेप्स हैं, राइट? अब मैं अलग अलग कैपेसिटर्स के लिए किस तरीके से कैपेसिटेंस कैलकुलेट होता है, कितने तरीके के कैपेसिटर्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ द कैपेसिटर्स आर देयर, ये हम जरूर देखेंगे. समझ में आ रहा है बच्चा जी? हाँ, ना, ये हम जरूर देखेंगे. चलिए आइए देखते हैं ध्यान से कितने तरीके के कैपेसिटर्स हैं. सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स की बात करूं. देखो मैक्सिमम कैपेसिटर के हिस्से में अभी तक हम जो डील करने वाले हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में हम डील करने वाले हैं. स्पेरिकल कैपेसिटर्स और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, बेसिकली तीन होते हैं, पैरेलल, स्पेरिकल, सिलिंड्रिकल. मैक्सिमम पैरेलल प्लेट के बारे में ही हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं, स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल के कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आ जाते हैं. कॉन्सेप्टुअली, कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्सेप्शनल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन वो हम प्रैक्टिस सेशंस में जरूर देख लेंगे, राइट बच्चा जी? हाँ, ना,
तो सबसे पहले उनका शेप और अरेंजमेंट क्या है उसके बेसिस पे कैपेसिटर्स डिवाइड होते हैं, उनका शेप और अरेंजमेंट के बेसिस पे कैपेसिटर्स डिवाइड होते हैं, राइट। जैसे कि ये आपको दिख रहा है ये एक तरीके का सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, राइट बच्चा जी, हाँ ना। ये दिख रहा है ये आपको एक तरीके का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समझ में आ रहा है ना। एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, एक क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समझ में आ रहा है बच्चा जी, हाँ है ना। और थर्ड है स्फेरिकल कैपेसिटर्स। तीनों के विजुअल्स भी बताऊंगा इंडिविजुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, मैंने आपको पहले क्या बताया, फर्स्ट इज अ कैपेसिटर, फिर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस देखी, समझ में आ रहा है, उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे, एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। तीन तरीके के कैपेसिटर्स, पैरेलल, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, वन शॉर्ट रैपिड अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट, What would be the spherical capacitor? देखो हर बार steps मैंने क्या सिखाए थे, अभी बस उसको पकड़ना है, steps क्या सिखाए थे उसको पकड़ना है, समझ में आ रहा है ना, हाँ है ना। Let us take a very fair example, right बच्चा जी, let us take a very fair example कि spherical capacitor है, right? ये part हो गया आपका positive charge और ये given है negative charge। Step one क्या किया, दो conductors है जिसपे capacitor बनता है, जिससे capacitor बनता है, राइट right? उसके रिलेटेड मैंने दोनों को चार्जेस दे दिए, राइट बच्चा जी, हाँ ना। अब इन दोनों के बीच में लेट अस टेक एन एग्जांपल, गॉस लॉ की मदद से हम एक गॉसियन सरफेस डिफाइन करते थे, याद है, गॉस लॉ की मदद से गॉसियन सरफेस डिफाइन करते थे, राइट। गॉसियन सरफेस आर जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है जीरो से ए एंड ए टू बी, राइट। तो इस गॉसियन, फॉर अ गॉसियन सरफेस, राइट, फॉर अ गॉसियन सरफेस, छोटे छोटे डेरिवेशन से फटाफट देख लेंगे हम, हाँ है ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होती है KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर। यहां से स्टेप वन हमने क्या किया था, चार्जेस पोलारिटी दे दी पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, देखो गॉसियन गॉस लॉ से आ गई। अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ KQ बटा R स्क्वायर into dr, where r is changing from a to b। तो यहां से पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलती है, के क्यू कॉमन निकल गया, राइट बच्चा जी, हाँ है ना। ये हो जाएगा 1 by r, that is from a to b, राइट बच्चा जी, हाँ है ना। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और c is equal to q by v से अगर आप रिप्लेस करते हो, राइट बच्चा जी, c is equal to, देखो c is equal to q by c से रिप्लेस करते हो, राइट बच्चा जी, तो क्या आएगा, देखो c is equal to q by v से रिप्लेस करते हो तो आपका सीधा ये आ जाएगा, c is equal to 4 pi epsilon 0 a b whole divided by b minus a। क्लियर है गाइस, हाँ ना। देखो स्फेरिकल कैपेसिटर का एक सीधा विजुलाइजेशन आपके सामने दिया हुआ है, स्फेरिकल कैपेसिटर का सीधा एक विजुलाइजेशन आपके सामने दिया हुआ है। सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड द मीडियम, इसका जो कैपेसिटेंस है वो ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है ना, ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, जरूर लिख लीजिएगा। तो एज यूजुअल हमने क्या कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए, तो सिंपल से स्टेप्स क्या थे हमारे, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल से स्टेप्स क्या थे हमारे, तो सिंपल से स्टेप्स यही थे। पहले हमने क्या दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दे दिए, समझ में आया। फिर एक गॉसियन सरफेस, एक येलो वाला पूरा गॉसियन सरफेस डिफाइन कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ ली, पोटेंशियल ढूंढ लिया और कैपेसिटेंस लगा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सीधा कैपेसिटेंस। तो ये मैंने पहला डेरिवेशन बताया स्फेरिकल कैपेसिटर का, राइट। अब आते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पे, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का भी कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, हाँ ना। एक को आप पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो, हाँ ना, एक को आप पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो और इसका आउटर पार्ट कंप्लीटली नेगेटिव होता है, टू इंडिविजुअल बॉडीज होती है, राइट। एक आप कह सकते हो रॉड एंड शेल को कंबाइन करोगे तो एक तरीके का, मतलब एनालॉजी बोल रहा हूं, टेक्निकली वी आर नॉट करेक्ट बट एनालॉजी आई एम टेलिंग यू। एक शेल के अंदर अगर आप एक रॉड बनाते हो तो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जैसी अरेंजमेंट बनती है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जैसी अरेंजमेंट बनती है। तो स्टेप वन क्या था, असाइन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स टू द कंडक्टर, कर दिया हमने, असाइन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स टू द कंडक्टर, कर दिया, समझ में आ रहा है बच्चा जी, एकदम कर दिया, परफेक्ट, है ना।
राइट right? अब ध्यान से सेकंड क्या, गॉज लॉ से अगर हम याद करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, राइट right? अगर पोटेंशियल हमें ढूंढना है तो अगेन ई डॉट डी आर, तो यहां से पोटेंशियल की वैल्यू आती है ई को रिप्लेस करके लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r dr, राइट right, बच्चा जी हाँ है ना। तो यहां से v आपका निकल रहा है, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज इक्वल टू ln ऑफ r2 बाई r1, लिमिटिंग फ्रॉम r1 टू r2, राइट बच्चा जी हाँ है ना। और यहां पे अगर हम c इज इक्वल टू q बाई v से रिप्लेस करते हैं तो ये हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, वेर लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वही स्टेप्स फॉलो किए हैं, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करो, पोटेंशियल ढूंढो, कैपेसिटेंस। यहां पे भी हमने स्फेरिकल में भी यही किया, स्फेरिकल में भी हमने यही किया, और यहां पे भी हमने यही किया, सिलेंड्रिकल में भी हमने यही किया। ओके अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके रिलेटेड हम स्टडी करने वाले। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये एक तरीके का डिफरेंट अरेंजमेंट है जो आपको विजुअलाइजेशन में दिख रहा है, ये एक तरीके का डिफरेंट अरेंजमेंट है जो आपको विजुअलाइजेशन में दिखता है। इसमें क्या होता है, दो प्लेट्स होती है, ध्यान से देखिएगा, दो प्लेट्स है, राइट बच्चा जी हाँ ना, टू प्लेट्स दे आर सेपरेटेड बाई डी डिस्टेंस डी, समझ में आ रहा है ना, उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस डी। वन कैन बी कंसिडर एज ए कंप्लीटली पॉजिटिव, सेकेंड कंप्लीटली नेगेटिव, समझ में आ रहा है बच्चा जी हाँ ना, वन इज कंप्लीटली पॉजिटिव, सेकेंड दैट इज ए कंप्लीटली नेगेटिव। इस तरीके के अरेंजमेंट को कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द प्लेट्स आर हैविंग एरिया, स्पेसिफिक एरिया ए, इन दोनों के बीच में फिलहाल कुछ भी नहीं है, राइट, सो इट इज कंप्लीटली वैक्यूम इन बिटवीन देम। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक से अभी कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, अभी इन दोनों के बीच में कंप्लीटली वैक्यूम है। ओके गाइस हाँ ना, तो गाइस यहां पे देखिए विजुलाइजेशन में कैसा लग रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, लाइक्स को प्रेस करने में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है बच्चा जी, लाइक्स को प्रेस करने में कोई कंजूसी नहीं, जो अभी प्रेजेंट है सब लाइक्स को प्रेस करेंगे, और जो फ्यूचर में भी सेशन को देखेंगे कंप्लीटली 100% देखेंगे, राइट। चलिए आइए गाइस इसको देख लेते हैं ध्यान से एक बार, सिंपल सी चीज है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, होता क्या है सिस्टम में ये हमें पता चल गया। एज यूजुअल स्टेप्स को फॉलो करके कैपेसिटेंस की वैल्यू देंगे। देखो एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, ऑलरेडी असाइन कर दिया हमने, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, ऑलरेडी असाइन कर दिया। नाउ दे आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, समझ में आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, पैरेलल प्लेट के अंदर एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट, एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आइए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालिसिस करते हैं। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक थिकनेस वाले प्लेट की तरफ से, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं तो वो ये इधर आएगी, ES because of the positive that is sigma by 2 epsilon 0, नेगेटिव वाली भी इधर ही आएगी sigma by 2 epsilon 0, so net electric field in between the capacitors क्या हो जाएगी, E positive plus E negative, that is sigma by 2 epsilon 0 plus sigma by 2 epsilon 0, तो net electric field आ गई sigma by epsilon 0। पहला स्टेप क्या, पोलैरिटीज को असाइन करना, सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ ली। अब सिंपल क्या है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू ई डी, तो V क्या हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो V हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो डी, राइट, तो यहां पे C क्या हो जाएगा Q बाई V एंड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो इस तरीके से डिफाइन होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो इस तरीके से डिफाइन होती है। स्टेप वन, स्टेप टू एंड फाइनल स्टेप थ्री। क्लियर है गाइस, आएना बस वही है, वही पॉइंट्स को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है, सीधी रेपिड अप्रोच यही है। अब जो सारा खेल आ रहा है ना वो इन दोनों के बीच के मीडियम का आ रहा है, समझ में आ रहा है, इन दोनों के दो प्लेट के बीच में देखो पूरा पंगा वहां हो रहा है, दो प्लेट के बीच में पूरा पंगा हो रहा है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। पॉजिटिव सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
समझ में आ, इट इज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी एंड कनेक्टेड टू द रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब पंगा क्या होगा, इस इंसुलेटिंग मीडियम में अगर हम कुछ और इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, इस इंसुलेटिंग मीडियम में अगर हम कुछ और इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, राइट बच्चा जी, एंटर करिएगा और बहुत ऑसम एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं। चलिए, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, राइट, और उसमें डायलैक्ट्रिक स्लैब, राइट। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने देख ली, राइट, इसके रिलेटेड जो कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं, राइट बच्चा जी। ये किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द शेप, ज्योमेट्री एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। शेप पे डिपेंड करेगा, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा है ना, एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे डिपेंड करेगा और द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। मीडियम चेंज हो सकता है, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर उस पे भी कभी डिपेंड नहीं करता। तो यहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो क्या कि एरिया ऑफ द, लेट अस टेक एन एग्जांपल, इनिशियली द कैपेसिटर वॉज चार्ज विद क्यू, नाउ इट इज कनेक्टेड टू एन अनआइडेंटिकल अनदर कैपेसिटर, राइट, देन सडनली चार्ज की डिक्रीजेस टू क्यू बाई टू और सम स्पेसिफिक वैल्यू, समझ में आ रहा है, तो बताओ कैपेसिटेंस क्या चेंज होगा, समझ में आ रहा है, हाँ ना। या फिर लेट अस टेक एन एग्जांपल, क्या कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस है, इनिशियली उन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू किस तरीके से डिफाइन होगी, कैपेसिटेंस उसकी खुद की कैपेसिटी है, समझ में आ रहे हैं, उसकी खुद की कैपेसिटी है, उसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स के साथ कोई लेना देना नहीं, ओके बच्चा जी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को जरा और देख लेते हैं ध्यान से, कंपैरिजन कर रहे हैं विदाउट स्लैब एंड विद स्लैब, दिस इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं बच्चा जी, तो ये पॉजिटिव है, इधर गया, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इनसाइड, जिसको हम नाम लेते हैं ई, राइट, ये देखिए, हाँ है ना, और इस ई की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। मान लो अगर आपने देखो, ये आपको दिख रहा है ना, सी दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, राइट, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हो बच्चा जी, अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना, उस मीडियम के अंदर, तो कैपेसिटेंस में कितना बदलाव आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है ना। तो अंदर हम कुछ अगर इंट्रोड्यूस कर, अब सिंपल सी चीज है, घर वाले बैठे हैं, एकदम शांति से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक कोई एक स्ट्रेंजर आ गया तो कैसे हड़बड़ी मचती है, कौन है भाई आप, क्या है, किस तरीके से। तो इसी तरीके से दिस कैपेसिटर इज अ वेरी हैप्पी फैमिली। अगर इसमें हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये इस फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेंजर को किस तरीके से रिस्पेक्ट रखते हैं। कुछ स्ट्रेंजर्स आते हैं, समझ में आ रहा है, तो वी यूज टू रिस्पेक्ट, क्या, ओके, सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल इन दिस सिचुएशन, लॉकडाउन, आपके घर में कोई बैगर आ रहा है, राइट, सो यू आर बीइंग अ ह्यूमन, राइट, यू आर स्प्रेडिंग द पॉजिटिविटी, आप उसको कुछ देते हो, तो यू आर रिएक्टिंग इन टू द डेट वे टू द स्ट्रेंजर। सिमिलरली कोई और होता, सो ही इज हैविंग द नेगेटिव साइकोलॉजी, मे बी ही माइट बी वट इज कंटामिनेटेड विद दैट स्पेसिफिक COVID-19 वायरस, सो ही और शी यूज टू से जाओ भाई जाओ, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। सो ये टू डिफरेंट साइकोलॉजीज आर देयर, यहाँ पे दो डिफरेंट तरीके की साइकोलॉजीज है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंट्रोड्यूस होता है तब आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है बच्चा जी, हाँ। तो आइए इन दोनों के बीच का कंपेरिजन, मैंने सिंपल विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो पूरा कैपेसिटेंस बता दिया आपको, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने के बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हो वो देखते हैं, आइए। चलिए अब देखो, मान लो दो प्लेट्स के बीच में, देखो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, राइट बच्चा जी, ओके, जिसकी डाइलेक्ट्रिक के है, जिसकी क्या है, डाइलेक्ट्रिक के है। अब इसको इंट्रोड्यूस किया, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ओके। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दिख रहा है, जो मैंने एरो से डिफाइन किया है, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, समझ में आ रहा है बच्चा जी, हाँ या ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, स्लैब इंट्रोड्यूस करने से ओपोजिट पोलैरिटी स्लैब में आ जाएगी, ये स्लैब एक्सटर्नल फील्ड को कंप्लीटली अवॉइड करने की ट्राई करेगा, जो कैपेसिटेंस के बीच में है फील्ड उसको कंप्लीटली अवॉइड करने की ट्राई करेगा, तो उसको ट्राई करने के लिए
एक और फील्ड प्रोड्यूस करेगा इनसाइड द स्लैब ऑपोजिट टू द फील्ड ऑफ कैपेसिटर. एक नई फील्ड प्रोड्यूस होगी इनसाइड द स्लैब दैट इज ऑपोजिट टू द फील्ड ऑफ द कैपेसिटर, अपोजिट टू द फील्ड ऑफ द कैपेसिटर. समझ में आ रहा ना? हाँ ना. तो जैसे ही दो प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तो स्लैब को इंट्रोड्यूस करोगे, समझ में आ रहा है ना, तो उस पोटेंशियल में भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा. समझ में आ रहा है ना? हाँ ना. ओके, तो सिंपल सी चीज है, जब डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं था तब सिचुएशन क्या थी, डाला तब सिचुएशन क्या थी, जब नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, जैसे ही डाला स्लैब के अंदर एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बच्चा जी. हाँ ना, एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. क्लियर है गाइस? हाँ ना. अब ध्यान से देखिएगा, अब दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल में फर्क आएगा, दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल में फर्क आएगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल, द नेट पोटेंशियल इट इज गिवन एज V1 प्लस V2 एज बिकॉज ऑफ द प्लेट्स एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एज बिकॉज ऑफ द प्लेट्स एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. चलो मैं थोड़ा सा नाम दे देता हूं, समझ में आ रहा है ना? हाँ ना, थोड़ा सा हम नाम दे देते हैं. ओके, अब ध्यान से देखिएगा, V1 एंड V2 एज बिकॉज ऑफ द प्लेट एंड एज बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. अब क्या होगा वो ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है ना? ओके, अब इसकी इक्वेशन हम आगे लिखते हैं E0d - T. इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल क्या थी? E0 जब स्लैब नहीं था. जैसे ही स्लैब इंट्रोड्यूस हुआ तो इतना हिस्सा ऑक्यूपाई हो जाएगा, बाकी जो बसा हुआ हिस्सा है उसमें ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. तो V = ED होता है ना? आया ना, तो वो हमने लिख दिया D - T. टी थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस हुआ है, प्लस स्लैब की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है वो है ई, सो दैट इज ई इनटू उसका थिकनेस कितना है, टी. क्या इक्वेशन एकदम परफेक्ट क्लियर हुआ? जैसे ही स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा है, समझ में आ रहा है? हाँ ना, उसमें एक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो फील्ड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? E0 × D - T. स्लैब की जो थिकनेस है प्लस स्लैब में जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसका थिकनेस, राइट. अब ई जो है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं. देखो, अगर आप फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस अगर मीडियम के रिस्पेक्ट में इस हिसाब से चेंज होता है, राइट, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस हिसाब से ही चेंज होगी. हाँ, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम वैक्यूम में कैलकुलेट करते हैं तो KQ/R² आते हैं, अगर किसी और मीडियम में हम लेके गए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिसाब से चेंज होती है. तो इसको हम यहां रिप्लेस करिए, यही बहुत इजी डेरिवेशन है बच्चा जी. सो दैट इज D - T + E0/K × T. तो यहां से आपको जो आ रहा है V = E0 d - T + T/K, ये मेरा नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, राइट. पोटेंशियल एज बिकॉज ऑफ बिटवीन द प्लेट्स एंड एज ऑफ द स्लैब, बस कैलकुलेशन 3 स्टेप में इसका डेरिवेशन आएगा. और इसको एक Q = C/V से रखते हैं. ओके, C = Q/V से, तो यहां से कैपेसिटेंस आता है ε0A/D - T + T/K. अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है सो न्यू कैपेसिटेंस C-, समझ में आ रहा है ना? ओनली वन डाइलेक्ट्रिक. क्लियर है बच्चा जी? ओनली वन डाइलेक्ट्रिक. ओके बच्चा जी, एकदम क्लियर है? आया ना, कुछ नहीं है. पहले उन दोनों के बीच में जो फील्ड थी प्लेट्स में, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं इंट्रोड्यूस किया था, वो E0 थे. फिर स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से स्लैब के अंदर से एक रिवर्स फील्ड प्रोड्यूस होती है. बस स्टेप्स वही है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैपेसिटेंस पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी दे दी, वही स्टेप्स है जो हमने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया, ठीक है. अब देखो, एक स्लैब से ज्यादा स्लैब इंट्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? हाँ ना, समझ में आ रहा है, राइट. मल्टीपल स्लैब्स, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू किस हिसाब से चेंज होती है? इसका हम गाइज सीधा इक्वेशन लिखते हैं, D - T1 - T2 - T3 + T1/K1 + T2/K2 + T3/K3. यही सीधा इक्वेशन है और यही इक्वेशन हमें हर बार लगाना है.
for multiple slabs. चलो लेट अस सी एन एग्जांपल, व्हाट वुड बी द इक्वेशन फॉर द एन स्लैब्स. अगर पूरा कैपेसिटेंस का एरिया एन स्लैब से भर जाता है तो सी फॉर एन दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए होल डिवाइडेड बाय डी माइनस टी वन डॉट 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 राइट प्लस टी वन बाय के वन प्लस टी टू बाय के टू प्लस डॉट डॉट डॉट. दिस वुड बी द परफेक्ट इक्वेशन. जितने स्लैब उतनी थिकनेस माइनस होगी, समझ में आ रहा है, जितने स्लैब उतनी थिकनेस माइनस होगी प्लस टी बाय डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, उसकी थिकनेस बाय डाइलेक्ट्रिक. समझ में आ रहा है बच्चा जी? क्लियर है एकदम? हाँ, एकदम परफेक्ट रैपिड अप्रोच है कैपेसिटर्स की, राइट? हाँ, ध्यान से देखिएगा, राइट? हाँ ना. अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. देखिए विजुअलाइजेशन में बेहतरीन तरीके से दिख रहा है ना, एक सुपरमैन जा रहा है कैपेसिटर के एक लेग में. समझ में, एक लेग है कैपेसिटर, ये जो डे टू डे लाइफ का एक कैपेसिटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है वो लेग है. दो लेग्स आते हैं, लेफ्ट राइट दो लेग्स आते हैं. समझ में आ रहा है बच्चा जी? जो जैसे ही पावर ऑन, आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हो और स्विच को ऑन करते हो, तो देखो किस तरीके से ये आदमी जा रहा है, सुपरमैन, एनर्जी अंदर स्टोर हो रही है. समझ में आ रहा है? हाँ ना. तो एज यूजुअल कैपेसिटर इज अ डिवाइस, द डिवाइस दैट स्टोर्स द चार्ज, द डिवाइस दैट स्टोर्स द चार्ज. समझ में आ रहा है? जो डिवाइस चार्ज को स्टोर करेगा, बट इट ऑलवेज स्टोर्स इन टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, stores into form of energy. Now what would be the form of energy? क्या होगी उसकी equation? देखते हैं. समझ में आ रहा है? तो देखिए guys, as usual हमारे सामने फिर से एक parallel plate capacitor आ गया है, right? हम इसकी ये positive polarity ले लेते हैं. समझ में आ रहा है? हाँ है ना. और ये हम negative polarity ले लेते हैं बच्चा जी. हाँ है ना, right? ठीक है ना. हाँ ना. इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस तरीके से. सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, दे आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये बैटरी हो गई. यहां पर क्या होता है, यहां पर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं बैटरी की तरफ, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं इस प्लेट की तरफ. समझ में आ रहा है ना? फ्रॉम वन प्लेट दे स्टार्ट. मान लो लेट अस टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ प्लेट वन एंड दिस इज प्लेट टू. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में. समझ में आ रहा है ना? अब एनर्जी स्टोर्ड इन टू द कैपेसिटर, हाँ ना, एनर्जी स्टोर्ड इन टू द कैपेसिटर, इन दोनों के बीच में, चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहता है वो कंजर्वेटिव फोर्स रहता है. चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहता है वो क्या रहता है, कंजर्वेटिव फोर्स रहता है. समझ में आ रहा है? और उस पर कभी भी वर्क डन होता है, दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम बात कर रहे हैं, दैट इज लेट अस टेक एन एग्जांपल, यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू. हम ग्रेविटेशन में भी ये देख चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में भी ये देख चुके हैं, द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल इनटू क्यू. अब प्रॉब्लम क्या है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, यहां से एक डी क्यू चार्ज है, मुझे उसको इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके जाना है, तो फील्ड तो राइट डायरेक्शन में है, मोशन ऑफ द चार्ज क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब वर्क इज डन अगेंस्ट डी फील्ड. Work is done against field. Clear है guys? हाँ ना. कैसा लग रहा है बच्चा जी? Likes को press करते रहिएगा. हाँ ना. और अपने friends के साथ maximum इस session को share कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले उन लोगों ने क्या miss किया. Right? तो यहाँ पे work done क्या हो रहा है? Work is done against the field. समझ में आ रहा है? हाँ ना. तो work done against the field हो रहा है, it means it is stored into the form of the potential energy and that is the electrostatic potential energy. तो यहां पे that is, अभी मैं एक simple DQ charge की बात कर रहा हूं, so that is DQ. समझ में आ रहा है बच्चा जी? हाँ. अब V को हम रिप्लेस करते हैं क्या, Q is equal to CV होता है. समझ में आ रहा है? तो V को हम रिप्लेस करते हैं Q by C into DQ. अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं Q by C into DQ, तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड आ रही है वो Q by, ये हाफ सीवी स्क्वायर भी होते हैं, इसके दो मल्टीपल फॉर्म्स हैं, इसके क्या है, दो मल्टीपल फॉर्म्स, राइट बच्चा जी? हाँ ना, दो मल्टीपल फॉर्म्स हैं. क्लियर है? हाँ ना. चलिए अब ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है. हाँ ना, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी एंड दैट इज इक्वल टू हाफ सीवी स्क्वायर. बहुत सिंपल और बहुत ही बेहतरीन से एक्सप्लेनेशन है, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.
प्रॉब्लम क्या है, हम हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं। चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके जाने में बैटरी ने कितना वर्क डन किया, ये तो वो है जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, ये सप्लाई नहीं है। सप्लाई इज अ डिफरेंट थिंग, ये वो है जो एनर्जी स्टोर हो रही है। समझ में आ रहा है बच्चा जी? हाँ। सप्लाई कितना दिया हुआ था, अगर जो हम सप्लाई देते हैं उतना ही वर्क डन और उतना ही पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो एफिशिएंसी तो कैपेसिटर की 100% आएगी, और ऐसा कोई यूनिवर्स में चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। जो हम दे रहे हैं वो कंज्यूम हो जाए, ऐसी यूनिवर्स में कोई भी थिंग एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आइए देखते हैं वर्क डन बैटरी ने कितना किया, बैटरी ने सप्लाई कितना दिया, वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आना? एक्चुअली बैटरी, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव, हम वन दे देते हैं यहां टू। यहां पे हमें एक ही इक्वेशन पे वर्क डन करना है, व्हाट, सप्लाई दैट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड प्लस हीट, राइट बच्चा जी? हीट डिसिपेटेड, एक पे ही वर्क डन करना। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल, यहां हमने एनर्जी स्टोर्ड कितना किया, एक सिंपल सा हम दें, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसके रिलेटेड। हाँ, है ना, जो बैटरी सप्लाई देती है उसमें से कुछ स्टोर होता है, कुछ डिसिपेट हो जाता है। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कितना स्टोर होगा कितना डिसिपेट होगा। समझ में? तो बैटरी क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू क्यू। अगर V की बात करते हैं, समझ में आ रहा है बच्चा जी? तो ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा जी? तो V क्या हो जाएगा, Q बाई सी, दैट इज Q स्क्वायर बाई सी। तो बैटरी ने तो वर्क डन कितना किया, दिस इज वर्क डन बाई बैटरी, उसने सप्लाई दिया है। समझ में आ रहा है ना? प्लेट्स पे वो काम कर रही है, वो सप्लाई दे रही है, कितना, Q स्क्वायर बाई सी। एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो रही है, Q स्क्वायर बाई टू सी, तो हीट डिसिपेट कितनी हो जाएगी, Q स्क्वायर बाई टू सी, आधा आधा। क्लियर है बच्चा जी? क्या आधा और आधा, और कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन लायक है ही नहीं। एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई टू सी, हीट डिसिपेटेड Q स्क्वायर बाई टू सी, क्यों, सप्लाई मिल रहा है Q स्क्वायर बाई सी, या फिर इसको ये भी कह सकते हो सप्लाई मिल रहा है सी वी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्लियर है गाइस? हाँ। चलिए गाइस, लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, लाइक्स को प्रेस करने में कोई कंजूसी नहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या क्या अभी हमने रिकॉल किया है, अभी मैं जा नहीं रहा हूं, और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स लिखाना बाकी है। हमने कैपेसिटर से स्टार्ट किया था, उसके कैपेसिटेंस देखा, राइट, हाँ है ना। फिर मेथड डिफाइन की, किस तरीके से कैपेसिटेंस ढूंढा जाता है। फिर हमने टाइप्स देखे, स्पेरिकल, ओके, फिर स्पेरिकल के बाद सिलिंड्रिकल और पैरेलल प्लेट, राइट बच्चा जी। और फिर हमने क्या देखा, कंपैरिजन की, विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब और डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, राइट। फिर मल्टीपल स्लैब इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या चेंज होती है, एनर्जी स्टोर्ड इनटू द कैपेसिटर क्या होता है, वर्क डन क्या होता है जब एक चार्ज को दो प्लेट्स के बीच में लेके जाया जाता है फील्ड के अगेंस्ट, और बैटरी कितना सप्लाई करता है, और ये दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सप्लाई इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड प्लस हीट डिसिपेटेड इन कैपेसिटर। नेक्स्ट आता है मोस्ट अवेटेड थिंग, दैट इज द सीरीज एंड द पैरेलल कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर का सिंबॉलिक नोटेशन ये होता है, खैर ये पहले बता दिया जाता है, लेकिन हमने उस चीज पे इतना डिस्कस नहीं किया क्योंकि हम टाइप्स पे चले गए वगैरह वगैरह। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक सिंबॉलिक नोटेशन है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में बच्चा डिवाइड क्या होता है, सीरीज में डिवाइड क्या होता है, वोल्टेजेस आर डिवाइडेड। सीरीज में क्या डिवाइड होता है, वोल्टेजेस आर डिवाइडेड। तो ये कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, चार्ज फ्लोइंग इज सेम, इसको पोटेंशियल मिलेगा V1, इसको V2, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहां से रिप्लेस करते हैं तो 1/C दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये आपकी आएगी कैपेसिटेंस फॉर द सीरीज कनेक्शन। This is the equation for the capacitance of the series connection. बहुत सिंपल है, resistors का उल्टा होता है। और हाँ guys, most important चीज़, कल की जो क्लास रहेगी ना, शायद मैं इस तरीके से रखूंगा कि आपको अप्रोच लगाना सिखाऊंगा कि सम्स पे अप्रोच किस तरीके से लगाते हैं और किस किस तरीके के सम्स आते हैं, राइट बच्चा जी? सम पे अप्रोच कैसे लगाते हैं और किस किस तरीके के सम्स आते हैं। क्लियर है guys? हाँ। अभी हम इसका बेसिक जो है फंडेज वो देख लेते हैं। अब इसके बाद आता है guys पैरेलल कनेक्शन।
पैरेलल कनेक्शन में कुछ नहीं है, चार्जेस डिवाइड होते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल, ई कैपेसिटेंस हो गया. ओके, इस पे हमें ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. ये सी वन हो गया, ये सी टू हो गया, एंड दिस इज कनेक्टेड टू द बैटरी. चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे क्यू वन क्यू टू. तो क्यू हो गया क्यू वन प्लस क्यू टू. पोटेंशियल दोनों में क्या हो जाएंगे, सेम. वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी, राइट. तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो सीधा सा क्लासिफिकेशन है. सीरीज का विजुअलाइजेशन देखो, एक दो तीन सीरीज में आ गया ना, देखो पोटेंशियल डिवाइड हो रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन आ गई. और ये एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल रखा है, जैसे आपको पता चले कि कैपेसिटर्स डे टू डे लाइफ में होते कैसे. और ये उसका सिंबॉलिक नोटेशन. ठीक है बच्चा जी, क्या है इसका सिंबॉलिक नोटेशन. इसके बाद पैरेलल में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्जेस गेट डिवाइडेड. करंट डिवाइड होते हैं, वैसे चार्ज डिवाइड होते हैं रेजिस्टर्स में. और रेजिस्टर्स का उल्टा, रेजिस्टर्स पैरेलल में 1 बाय आर वाली इक्वेशन आती है, और सीरीज में आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आती है. इसमें पैरेलल में आर इज सी इज इक्वल टू सी वन प्लस वाली इक्वेशन आती है, और सीरीज में 1 बाय वाली. क्लियर है बच्चा जी. चलिए अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, दैट इज सिमेट्रीज. समझ में आ रहा है बच्चा जी, सिमेट्रीज आती है, कुछ तरीके की सिमेट्रीज आती है बच्चा जी. अब सिमेट्री क्या होता है, ध्यान से देखिएगा. हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा है ना. स्पेशली दिस इज फॉर द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स. तीन तरीके की सिमेट्रीज आती है. लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये मेरा हो गया ए पॉइंट, ये मेरा हो गया बी पॉइंट. इन दोनों के परपेंडिकुलर ये मेरी है लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, जिस लाइन के अबाउट, देखो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स क्या आता है, राइट. कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स. इट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स. समझ में आ रहा है ना. अब इसमें कुछ ऐसे भी आ जाते हैं, समझ में आ रहा है ना. क्या देखो, फिर अगेन ये आ गया पोटेंशियल ए, ये आ गया पोटेंशियल बी. समझ में आ रहा है ना. अब देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री के पैरेलल फोल्ड होता है, परपेंडिकुलर फोल्ड होता है. तो इस तरीके की सिमेट्री को कहा जाता है परपेंडिकुलर सिमेट्री. भाई परपेंडिकुलर फोल्ड हो रहा है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट मिरर इमेज बनती है. लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट मिरर इमेजेस आर फॉर्म. ध्यान से देखो, एक ही पूरी मिरर इमेज बन रही है लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट. इसके एक एक एग्जांपल देके भी बताता हूं, हाय ना, डोंट गेट वरीड. अभी खाली आप ये देख लो किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी. देखो ये पोटेंशियल ए है, ए और बी के परपेंडिकुलर अगर आती है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वो परपेंडिकुलर सिमेट्री हो जाती है. अगर ये हमारी फिर हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर वो पोटेंशियल पॉइंट्स के पैरेलल हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल सिमेट्री. तीसरी पाथ सिमेट्री आती है, जो क्यूब वाले सम्स में आते हैं. समझ में आ रहा है, देखो इधर से इधर मिरर इमेज बना रही है. यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट थ्री ऑपरेशंस आर डन टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट. ज्वाइन द नोड, कोई एक स्पेसिफिक नोड होती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अनजॉइन कर सकते हैं, और कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हैं. कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, रिमूव. ये तीन ऑपरेशंस होते हैं. टेंशन मत लो, समझ में आ रहा है. मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, हाँ है ना. दोनों के एक एक एग्जांपल ले लेते हैं. चलिए परपेंडिकुलर सिमेट्री, देखो सिंपल सी चीज है. आपके सामने एक रेजिस्टर नेटवर्क है, ये पोटेंशियल हो गया ए, राइट बच्चा जी, हाँ है ना. ओके, ये क्या हो गया पोटेंशियल ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट. देखो ये भी सी है, 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 और ये भी सी है. अब देखो इसके परपेंडिकुलर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. समझ में आ रहा है ना. दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. द मिरर इमेजेस आर फॉर्म, द मिरर इमेजेस आर फॉर्म अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री. समझ में आ रहा है ना, हाँ है ना. तो यहां पे देखो ये नोड दिख रही है ना, ये नोड है. यहां पे मैंने क्या बताया, तीन प्रोसीजर कर सकते हैं, ज्वाइन, अनज्वाइन, रिमूव.
तो यहां पे क्या हो जाएगा, यही सर्किट नेटवर्क क्या हो जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर सिमेट्री है, दिस इज द केस ऑफ द परपेंडिकुलर सिमेट्री। तो क्या हो जाएगा, देखो ये ए पॉइंट हो गया, हाँ है ना, ये आपका आ गया बी पॉइंट, हाँ है ना। अब ये यहां से नेटवर्क गया इधर, ये यहां से नेटवर्क गया इधर, और ये कनेक्ट हुआ इधर, यहां से ये मैंने हटा के, समझ में आ रहा है ना, ये देखो अनजॉइन कर दिया, अनजॉइन कर दिया ना, देखो इस तरीके से अनजॉइन कर दिया, क्लियर है बच्चा जी, हाँ है ना। तो ये सर्किट कॉम्प्लेक्स किसमें रिप्लेस हो गई, इसमें। अब तो सब इजी हो गया, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, आंसर लाओ। जैसे कि ये सीरीज पैरेलल में आप आंसर लाओ, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, टेंशन मत लो, इसके रिलेटेड हम सम्स करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इसके अबाउट आती है पैरेलल सिमेट्री, समझ में, पैरेलल सिमेट्री का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, पैरेलल सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री का भी एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे देता हूं, राइट बच्चा जी, हाँ है ना, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, समझ में आ रहा है बच्चा जी, हाँ है ना। राइट, इस तरीके से कनेक्शन है, हाँ है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चंस नीट एस्पिरेंट्स के लिए ऐसा लगता है कि सर आपने ये क्या धमाल कर दिया, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी है, देखो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, पैरेलल ए और बी के पैरेलल हैं, तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, और इसके अबाउट मिरर इमेजेस फॉर्म होती है। तो ये सर्किट पूरी किस तरीके से हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ये सर्किट पूरी इस तरीके से हो जाएगी। इस नोड को हम हटा सकते हैं, ये जो नोड दिख रही है ना, हाँ ना, इसको ज्वाइन अनज्वाइन सब कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, इसको ज्वाइन अनज्वाइन सब कर सकते हैं, समझ में आ रहा है बच्चा जी, हाँ है ना। तो ये हमने कर दिया अनज्वाइन, क्लियर है गाइस, हाँ है ना, ठीक है बच्चा जी, हाँ है ना। और ये हमने इस तरीके से इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से हटा दिया, राइट बच्चा जी, और ये हो गया बी, हो गया कन्वर्जन, हाँ है, सो डोंट गेट वरीड, हाँ है ना। इस तरीके के आते रहते हैं, राइट बच्चा जी, सिमेट्रीज और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, इनको सॉल्व कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा, राइट। चलिए आज का जो सेशन है बच्चा जी यहीं जा रहा है, हम सेशन को बढ़ा रहे हैं, राइट बच्चा जी। चलिए, सो दिस इज नीट लाइव डेली वर्जन 2.0 का टाइम टेबल है फॉर 11th एंड 12th, 45 डेज क्रैश कोर्स का टाइम टेबल है, राइट बच्चा जी, हाँ है ना। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ही है, ठीक है बच्चा जी, राइट। संडे इज फॉर द मोटिवेशन, राइट, संडे इज फॉर मोटिवेशन, ओके। चलिए गाइस ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्सडे एंड सैटरडे फॉर 12th रहेगा, अलार्म लगा लीजिएगा अपना, 4 to 7, 4 to 8 इट इज फॉर डेली 2.0 वर्जन एंड 45 डेज क्रैश कोर्स चलेगा फ्रॉम 8 to 9, ओके गाइस, संडे इज फॉर मोटिवेशन। चलिए गाइस, सिंपल सी चीज है, जिन लोगों ने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, 1 year या 2 year के लिए सब्सक्राइब करा लो, राइट। यूजिंग दिस कोड इज लाइव, इज लाइव, इन रिसर्च इज लाइव, यू ऑल आर लाइव, फिजिक्स इज लाइव, बच्चा जी क्लियर है, हाँ ना, ओके। प्राइस ड्रॉप भी हुआ है और कुछ जीरो का सीएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं, ये नीट है जहां पे आप पढ़ते हो, अनअकैडमी जेडब्ल्यूई 9th एंड 10th एंड 11th एंड 12th, ओके बच्चा जी, हाँ ना। अनअकैडमी को सब्सक्राइब करा लो गाइस, हाँ ना, राइट, बेल आइकन को प्रेस कर लो और मैक्सिमम शेयर करो विद हैशटैग नीट लाइव डेली, राइट, ओके। लाइक्स को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, राइट बच्चा जी, हाँ ना, ओके। दिस इज कोड इज लाइव, यूज दिस कोड टू गेट 10% ऑफ। चलिए गाइस, जाने का वक्त आ गया है, राइट, जाने के लिए नहीं जा रहा हूं, आने के लिए वापस जा रहा हूं, राइट बच्चा जी। सो दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क, बाय बाय, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड, बाय एवरीवन, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड, बाय बच्चा जी।